Hello everyone, welcome to the next video of 200 best MCQs of operating system. So till now we have uploaded 85 questions of operating system. Now today we will cover about 150 questions and tomorrow we will complete operating system. So अभी तक हम 85 questions के solutions record कर चुके हैं और उनको upload कर चुके हैं. So same 200 questions English में भी upload होंगे. अभी हमारी जो पूरी series है 200 questions operating system के, वो हमने हिंदी में upload किए हैं. Next जो series होगी operating system की, same 200 questions English में भी हम upload करेंगे. So let's start next question. So tomorrow we uploaded the questions till 85. So today we will start from the question number 86. Okay. So question number 86 says, an uninterruptible unit is known as. Uninterruptible means, what is the meaning of uninterruptible? Uninterruptible means जो भी अगर कोई process चल रही है, अगर हम उसको interrupt नहीं कर सकते, अगर कोई instruction execute हो रहा है और उसको हम interrupt नहीं कर सकते, that is known as uninterruptible. तो बहुत सारे instruction computer के अंदर ऐसे execute होंगे जिनको आप interrupt कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आप interrupt नहीं कर सकते हो. जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शन आपके कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होंगे, कुछ यूजर मोड में. तो जो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई प्रोसेस रन कर रही है, वो कर्नल मोड में ही रन करेगी हमेशा, तो उसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते. इंटरप्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको बीच में ही रोक के कोई और प्रोसेस शेड्यूल कर सकते हो. तो कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते हो. सो एक इंस्ट्रक्शन ऐसा ही है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रैप इंस्ट्रक्शन हो गया. ये सब इंस्ट्रक्शंस अनइंटरप्टेबल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते. जैसे TSL इंस्ट्रक्शन हो गया, जो हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ करते हैं. तो जिस टाइम पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस टाइम पे आप इनको इंटरप्ट नहीं कर सकते. ये पहले कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा इन इंस्ट्रक्शंस का, तभी दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जो अनइंटरप्टेबल हैं उनको बोलते हैं एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस. ओके, एटॉमिक मीन्स ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते हो बीच में जब वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 87, द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. ऐसा ही इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी बताया TSL, यही है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हमने कल भी बात की थी, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कई सारे सोल्यूशंस हैं हमारे पास में, लेकिन सारे सोल्यूशन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कुछ सोल्यूशन ऐसे होंगे जो बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. तो कोई भी बढ़िया सोल्यूशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का वही है जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करें. पहली है आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है बाउंडेड वेटिंग, और तीसरी है प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट. कोई भी सोल्यूशन अगर इन तीनों चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, इन तीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एक अच्छा सॉल्यूशन, गुड सॉल्यूशंस. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस थे. जैसे मैंने बताया था कि हार्डवेयर के लिए कुछ सॉल्यूशन जो है हम हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, जैसे कि एल्गोरिथम्स कई सारी, डेकर एल्गोरिथम हो गई, पीटरसन एल्गोरिथम्स हो गई. कुछ हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी सपोर्ट दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीमाफोर दिया है जो कि एक वेरिएबल है, और कुछ कंपाइलर ने भी दिया है, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं. तो कंपाइलर भी एक सॉल्यूशन देता है वो मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर एक सॉल्यूशन है कंपाइलर का. तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दिस. तो ये जो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन है, ये एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन है. टेस्ट एंड सेट, ये इंस्ट्रक्शन ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिस टाइम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो कोई इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है. इसलिए कहते हैं कि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. क्यों? क्योंकि जिस टाइम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, उस टाइम कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता. इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा. तो जिस टाइम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा टेस्ट एंड सेट कंप्यूटर पर, हम सारे के सारे इंटरप्ट बंद कर देंगे, कोई भी इंटरप्ट नहीं कर पाएगा इसको. इसीलिए इसको बोलते हैं कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट होगा. एटॉमिकली मीन्स जिस टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम कोई और इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा तभी टर्मिनेट करेगा. तो आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 88, सीमाफोर इज अ व्हाट टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. सीमाफोर क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, सीमाफोर कुछ नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर वेरिएबल है. ओके, स्पेशल प्रोग्राम नो, हार्डवेयर नो, इंटीजर वेरिएबल, सी इज द राइट आंसर. तो सीमाफोर एक वेरिएबल है जिसपे हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. वो दो ऑपरेशन क्या क्या है? वेट एंड सिग्नल, और दोनों के दोनों ऑपरेशन एटॉमिक ऑपरेशन हैं. इसका मतलब क्या है कि जब वेट या सिग्नल ऑपरेशन कोई भी इनमें से एग्जीक्यूट हो रहा है
तो वो इनको इंटरप्ट नहीं कर सकता है, ये अनइंटरप्टेबल ऑपरेशंस हैं, वेट एंड सिग्नल। द टू एटॉमिक ऑपरेशंस परमिसिबल ऑन सीमाफोर आर, तो सीमाफोर पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, अभी मैंने बात की इस बारे में, तो इसका आंसर तो आप बिल्कुल सिंपली कर सकते हो। दो एटॉमिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, वेट एंड सिग्नल। कभी कभी वेट को हम पी भी बोलते हैं, पी ऑपरेशन एंड वी ऑपरेशन। ओके सो कभी कभी इसको हम डाउन बोलते हैं, डाउन ऑपरेशन और पी अप ऑपरेशन। तो ये तीनों नाम वेट ऑपरेशन के हैं, ये तीनों नाम सिग्नल ऑपरेशन के हैं, तो तीनों एक ही चीज़ है। तो सीमाफोर पे हम तीन वेरिएबल, तीन ये दो फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। वेट क्या करते हैं, वेट सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा और सिग्नल सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। वो है आपका वेट। स्पिन लॉक्स आर, स्पिन लॉक क्या है? ओके स्पिन लॉक पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पिन लॉक सिंपली एक एक सिनेरियो देखिए, सिनेरियो ये है कि लेट्स से एक प्रोसेस आई और वो प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है। ओके सीपीयू के अंदर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है P1। अब ये P1 एग्जीक्यूट होने के बाद में अब इसको कुछ यूज़ करना है, लेट्स से इसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है। ओके इसको अब सीपीयू की जरूरत नहीं है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि इसको या तो कुछ प्रिंट करना है या लेट्स से इसको मॉनिटर पे कुछ शो करना है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है। तो जब इस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है तो ये रिक्वेस्ट करेगी, अब सीपीयू तो फ्री हो जाएगा। ओके इस सिंपल केस बता रहा हूँ, तो सिंपल केस में क्या होगा, सीपीयू फ्री हो गया क्योंकि प्रोसेस P1 जो थी वो इनपुट आउटपुट करने चली गई, तो कोई और प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पिन लॉक की, स्पिन लॉक में क्या होगा, स्पिन लॉक में बिजी वेटिंग होगी, इसको हम बिजी वेटिंग भी बोलते हैं। और बिजी वेटिंग हमने कई बार देखा होगा जब कहीं वाइल के अंदर वन लिखा होता है, जैसे वाइल लूप के अंदर वन लिखा हुआ है इसको बिजी वेटिंग बोलते हैं, या फिर वाइल लूप के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, आपने कहा है वाइल के अंदर ट्रू, तो वन एंड ट्रू दोनों का मतलब एक ही है, इसको बोलते हैं बिजी वेटिंग। इसका मतलब क्या है, स्पिन लॉक में वेट कर रहा है। स्पिन लॉक में वेट करने का मतलब क्या है कि आप सीपीयू ना छोड़ो, जब आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, लेट से इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो, सीपीयू के अंदर ही हो, आप बिजी वेटिंग कर रहे हो। बिजी वेटिंग मतलब क्या, वाइल लूप को बार बार एग्जीक्यूट करे जा रहे हो, इसको ही बार बार एग्जीक्यूट किए जा रहे हो जब तक ये आपका डिवाइस फ्री ना हो गया हो। बिजी एंड वेटिंग मतलब क्या है कि वेट भी कर रहा है और बिजी भी है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है वाइल लूप के थ्रू। आप क्या कर रहे हो, वाइल लूप को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वेट कर रहे हो, वेट कैसे कर रहे हो, एग्जीक्यूट करते करते। ओके तो आप इस डिवाइस के फ्री होने का वेट कर रहे हो बिजी वेटिंग में, स्पिन लॉक में, इसको बोलते हैं स्पिन लॉक। तो अगर इसे ये कब प्रीफरेबल है, स्पिन लॉक प्रीफरेबल कब है, दो चॉइस है आपके पास में। अगर P1 को लेट से इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है, तो या तो ये सीपीयू को छोड़ के और यहाँ पे इसके डिवाइस की क्यू में वेट करे, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्पिन लॉक लगा ले। स्पिन लॉक मतलब क्या, इसने P1 ने सीपीयू को तो एग्जीक्यूट कर लिया, सीपीयू पर जो काम इसको करना था वो कर चुका, लेकिन अब इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है, तो इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, लेकिन नहीं, ये क्या करेगा, सीपीयू के अंदर ही रहेगा, सीपीयू के अंदर ही बिजी वेटिंग करेगा, ये यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा सीपीयू को। जिस टाइम भी इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्री हो गया, एकदम सीपीयू को छोड़ के इनपुट आउटपुट डिवाइस पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको बोलते हैं स्पिन लॉक। स्पिन लॉक तभी प्रिफेरेबल है जब आपको पता है कि वेटिंग टाइम बहुत छोटा है। अगर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बिजी वेटिंग या स्पिन लॉक बहुत ही यूज़ करना प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो कि सीपीयू की साइकिल्स को वेस्ट वेस्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली स्पिन लॉक क्या कर रहा है, सीपीयू की साइकिल ही तो वेस्ट कर रहा है। इस टाइम पे जब ये बिजी वेटिंग कर रहा है तो व्हाइल लूप पे एग्जीक्यूट कर रहा है, बार बार कोई यूजफुल काम नहीं कर रहा है। बिजी वेटिंग में आप कोई यूजफुल काम नहीं कर रहे हो, तो सीपीयू अगर कोई यूजफुल काम नहीं कर रहा है तो वो क्या है, सीपीयू का बेकार यूटिलाइजेशन है। इसीलिए बिजी वेटिंग तभी प्रेफरेबल है जब आपको पता है कि जो आपका वेटिंग टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि जिस टाइम ये यहाँ पे स्पिन लॉक लगा के बैठा हुआ है सीपीयू पे, कोई और प्रोसेस कुछ अच्छा काम कर सकती थी, कोई यूजफुल काम कर सकती थी, लेकिन P1 ने ही इसको सीपीयू को अभी रखा हुआ है सीपीयू पे ही, सीपीयू के अंदर ही है, सीपीयू को छोड़ नहीं रहा है, स्पिन लॉक लगाया हुआ है। स्पिन लॉक का मतलब क्या है कि वेट कर रहा है लेकिन सीपीयू के अंदर वेट कर रहा है। अब सीपीयू वेट करने के लिए नहीं है, सीपीयू तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए है, लेकिन आप सीपीयू को यूज़ कर रहे हो वेट करने के लिए, बिजी वेटिंग बोल रहे हो, तो स्पिन लॉक आर बैड अगर आप का जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। वेटिंग टाइम क्या है, मतलब अगर P1 को लेट से कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है, प्रिंटर यूज़ करना है, और प्रिंटर कुछ और प्रिंट कर रहा है, तो P1 को वेट करना पड़ेगा ना इस IO डिवाइस के लिए। तो वेट बाहर करने के बजाय
इस इनपुट आउटपुट क्यू में वेट करने के बजाय ये सीपीयू के अंदर ही वेट कर रहा है। ओके, ये एक्चुअल में कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं सीपीयू के अंदर ही रहूँगा, और ये वहाँ क्योंकि सीपीयू तो अलाउ नहीं करेगा फ्री बैठना, तो ये क्या कह रहा है कि ठीक है मैं फ्री नहीं बैठ रहा हूँ, मैं वाइल लूप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सीपीयू के अंदर ही। तो इस सीपीयू को लग रहा है कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वेट कर रहा है वाइल ट्रू के थ्रू। तो इसका ऑप्शन सीपीयू स्पिन लॉक्स आर सीपीयू साइकिल्स वेस्टिंग लॉक्स ओवर क्रिटिकल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो ए ऑप्शन सही है, सीपीयू की साइकिल्स ही वेस्ट होगी स्पिन लॉक में, क्योंकि कोई कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा है, सिर्फ वेटिंग कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 91, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्पिन लॉक्स इज दैट दे आर नॉट सफिशियंट फॉर मैनी प्रोसेस, दे रिक्वायर बिजी वेटिंग। जैसे हमने अभी बात की, जो स्पिन लॉक्स है दे रिक्वायर बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग मीन्स ये सीपीयू के अंदर ही वेट करेंगे, सीपीयू जो डिवाइस है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बिजी रहने के लिए है, जो अच्छा काम है जैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। सीपीयू का मेन काम और प्राइमरी काम एक ही है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। आप अगर उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो वेस्टेज है सीपीयू का। जिस तरह स्पिन लॉक आप यूज़ कर रहे हो, स्पिन लॉक में आप सीपीयू का यूज़ कर रहे हो वेटिंग करने के लिए, और उसको बोल रहे हो बिजी वेटिंग, तो इसलिए स्पिन लॉक्स को रिक्वायर्ड बिजी वेटिंग। द वेट ऑपरेशन ऑफ द सीमाफोर बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिक सिस्टम कॉल्स। हमने बताया था कि सीमाफोर के दो ऑपरेशन होते हैं, वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन हैं, लेकिन ये सिस्टम कॉल्स नहीं है, एक्चुअल नाम ये नहीं है इनका। जब आप वेट ऑपरेशन करते हो तो इस एक्चुअल में आप इंटरनली क्या कर रहे हो, ब्लॉक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओके, जब आप सिग्नल यूज कर रहे हो तो इंटरनली आप पिकअप सिस्टम कॉल को यूज कर रहे हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जो भी सिस्टम कॉल होगी, सिस्टम कॉल का सिंपल मतलब ये है कि दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू करेगा। ओके, सीमाफोर क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन, सीमाफोर एक सॉल्यूशन है किसके लिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके जो ऑपरेशन होंगे वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन होंगे। ओके, वेट एंड सिग्नल जो ऑपरेशन है वो भी क्या है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन है, मतलब वो क्या है, कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होंगे, यूजर उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। अगर यूजर को वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी ब्लॉक एंड वेकअप के थ्रू। ओके, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उन सिस्टम कॉल के थ्रू उस वेरिएबल को एक्सेस करेगा। डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते उस वेरिएबल को, आपको सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी उस वेरिएबल को यूज करने के लिए, क्योंकि वो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बी इज द राइट आंसर, द सिग्नल ऑपरेशन ऑफ द सीमाफोर बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिक सिस्टम कॉल। कौन सी सिस्टम कॉल पे सिग्नल ऑपरेशन काम करता है? अगर आपको सिग्नल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है किसी सीमाफोर पे, तो आप कौन सी सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करोगे? जैसे मैंने अभी बताया वेकअप, तो वेट के लिए ब्लॉक एंड सिग्नल के लिए वेकअप, दो सिस्टम कॉल्स हैं सीमाफोर ऑपरेशन पे, कोई भी सीमाफोर वेरिएबल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जो वेट ऑपरेशन था वो सीमाफोर की वैल्यू बाय वन डिक्रीज कर देगा, और जो सिग्नल ऑपरेशन है वो सीमाफोर की वैल्यू बाय वन इंक्रीज कर देगा। इफ द सीमाफोर वैल्यू इज निगेटिव देन वॉट, इट्स मैग्नीट्यूड इज द नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग ऑन दैट सीमाफोर, इट इज इनवैलिड, नो ऑपरेशन कैन बी फर्दर परफॉर्म्ड ऑन इट अंटिल द सिग्नल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन इट, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो अगर कोई वैल्यू निगेटिव है किसी की, लेट से किसी, मैंने एक सीमाफोर लिया, सीमाफोर एस इक्वस टू लेट से वन, ठीक है। अब कई सारी प्रोसेस है जो सीमाफोर को यूज़ करेगी, लेट से P0, P1, P2, P3, P4। अब प्रोसेस P0 आई, उसने कहा वेट, उसके बाद कहा सिग्नल। ओके, पहले कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में घुसने से पहले आप वेट या सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। फिर P1 ने कहा वेट एंड सिग्नल, फिर P2 ने वेट एंड सिग्नल, वेट एंड सिग्नल, लाइक दिस इन्होंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब P0 क्या करेगी? अब हमेशा याद रखना, अगर आपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं पढ़ा है, अगर सीमाफोर एस की वैल्यू लेस देन जीरो है तो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी, प्रोसेस सीमा अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी। अगर सीमाफोर की वैल्यू वन है, वन या ग्रेटर देन वन है, तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हो। अब मैंने बताया कि वेट ऑपरेशन जो होगा वो बाय वन डिक्रीज कर देगा सीमाफोर की वैल्यू। अब वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, ये ऑब्वियसली जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन में क्योंकि वैल्यू वन थी, इसने वैल्यू कर दी सीमाफोर की जीरो। ओके,
अब इस ये सब के सब पैरेलली एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसने वेट ऑपरेशन किया इस पे, तो ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि वैल्यू जो है वो वन से कम, जीरो से कम हो गई है। ओके अब आया पी टू, ठीक है पी टू आया, पी टू ने भी सिग्नल ये वेट ऑपरेशन किया, इसने कर दिया -2, क्योंकि वेट ऑपरेशन क्या करता है, सीमाफोर की वैल्यू डिक्रीज कर देगा। इसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया -3, पी फोर ने किया -4। अब यहाँ पे देखो कितनी प्रोसेस वेट कर रही है, सबकी सब वेटिंग स्टेट में चली गई है। पी वन पी टू पी थ्री पी फोर जो है वेटिंग स्टेट में चली गई है, और पी जीरो जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है क्योंकि इसको सीमाफोर मिल गया था, लेकिन बाकी सब प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, वेट कर रही है कि कब सीमाफोर की वैल्यू 1 हो। तो कितनी प्रोसेस वेट कर रही है, 4 प्रोसेस वेट कर रही है, और निगेटिव वैल्यू क्या है सीमाफोर की, -4। तो पहला ऑपरेशन यही, पहला ऑप्शन यही कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड निगेटिव मैग्नीट्यूड, ओके द सीमाफोर वैल्यू इज निगेटिव, द निगेटिव मैग्नीट्यूड इज द नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग ऑन दैट सीमाफोर, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, द कोड दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सीमाफोर इज वॉट, किस पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सीमाफोर की वैल्यू को चेंज करते हैं, रिमाइंडर सेक्शन में या फिर नॉन क्रिटिकल सेक्शन में या फिर क्रिटिकल सेक्शन में। तो हर एक प्रोग्राम के 3 सेक्शन होंगे, पहला होगा एंट्री सेक्शन, फिर होगा क्रिटिकल सेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन के लिए ही हम सीमाफोर वगैरह यूज कर रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए। क्रिटिकल सेक्शन किसी प्रोग्राम का वो पार्ट है जहाँ पे आप कोई शेयर डेटा यूज करते हो, और लास्ट में होगा आपका रिमाइंडर सेक्शन, या इसको एग्जिट सेक्शन भी बोलते हैं। तो 3 सेक्शन होंगे हर एक प्रोग्राम के अंदर। एंट्री सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे सीमाफोर को, अगर सीमाफोर मिल गया, लॉक मिल गया आपको, तो आप सिंपली क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करोगे। फाइनली जब आप निकल रहे होगे क्रिटिकल सेक्शन से, तो रिमाइंडर सेक्शन में सीमाफोर की वैल्यू चेंज करोगे। ओके तो रिमाइंडर सेक्शन में सीमाफोर की वैल्यू चेंज होगी, या तो आपके एंट्री सेक्शन में होगी या फिर रिमाइंडर सेक्शन में। एंट्री सेक्शन में नॉर्मली क्या होगा, वेट ऑपरेशन, और रिमाइंडर सेक्शन में सिग्नल ऑपरेशन। और हमें पता है कि वेट ऑपरेशन भी और सिग्नल ऑपरेशन भी दोनों सीमाफोर की वैल्यू को चेंज करते हैं। वेट क्या करता है, डिक्रीज करेगा, सिग्नल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में एंट्री सेक्शन भी होता तो वो भी आंसर था, रिमाइंडर सेक्शन इज द राइट आंसर। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि प्रोग्राम के अंदर 2 ही पार्ट हैं, क्रिटिकल सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन एंड बाकी रहा, बाकी जो बचा हुआ सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हम कभी भी सीमाफोर को मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ उस डेटा को मॉडिफाई करते हैं जो बहुत सारी प्रोसेस एक साथ शेयर कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, द फॉलोइंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस एंड 3 बाइनरी सीमाफोर। हमारे पास में 3 प्रोसेस हैं और 3 ही बाइनरी सीमाफोर है। बाइनरी सीमाफोर का मतलब क्या है, सीमाफोर 2 तरह के होंगे, बाइनरी एंड काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर की जो वैल्यू होगी वो 1 या 0 ही हो सकती है, बाइनरी का मतलब यही तो है ना, 0 या 1। और जो वैल्यू जो काउंटिंग सीमाफोर होगा, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू हमेशा एस सी मतलब काउंटिंग सीमाफोर, एस बी मीन्स बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक के कितनी भी हो सकती है, ठीक है कोई बाउंड नहीं है, इसीलिए इसको काउंटिंग सीमाफोर बोल रहे हैं। द सीमाफोर्स आर इनिशियलाइज्ड एज S0 इक्वल्स टू 1, S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने 3 क्रिटिकल, आपके पास 3 सीमाफोर्स हैं S0 S1 S2, और आपने वैल्यूज ऐसे इनिशियलाइज की है, और बाइनरी सीमाफोर्स हैं, 3 प्रोसेस है, प्रोसेस P0 उसका कोड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये P1 सीमाफोर है और ये P2 सीमाफोर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल P0 प्रिंट 0, P0 क्या कर रहा है, 0 प्रिंट कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि P0 कितनी बार प्रिंट करेगा 0 को, जितनी बार एग्जीक्यूट होगा P0 कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो P0 जो यूज़ कर रहा है वो सीमाफोर यूज़ कर रहा है S0। हम मैंने कहा था कि अगर आपका पहले आप क्या करते हो, वेट की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, वेट जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन देखोगे, तो ये होगा पहले आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज करोगे, उसके बाद में चेक करोगे कहीं वो वैल्यू 0 से नीचे तो नहीं है, 0 से कम तो नहीं है। अगर वैल्यू 0 से कम हुई तो आप ब्लॉक कर जाओगे, अगर वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन हुई तो आप उसको एग्जीक्यूट कर जाओगे अगले ऑपरेशन को जो भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, S0 इक्वल टू 1, वेट लगाया आपने S0 पे, मैंने बताया था वेट ऑपरेशन क्या करता है, डिक्रीज कर देगा। तो S0 क्या हो गया है, S0 1 से 0 हो गया क्योंकि वेट ऑपरेशन ने कम कर दिया। अब आपने चेक किया कि वैल्यू लेस देन 0 है, नहीं वैल्यू एक्चुअल में 0 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार प्रिंट हुआ,
ठीक है, 0 print 5 एक बार, फिर आपने कहा रिलीज S1 रिलीज S2। अगर ये प्रोसेस P0 P1 एंड P2 तीनों पैरेलली एग्जीक्यूट हुई तो ये ब्लॉक हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये S यहाँ पे आपने कहा वेट S1, प्रोसेस P1 ने कहा वेट S1, तो जब इसने वेट ऑपरेशन लगाया इस पर तो -1 वैल्यू हो गई, इसने वैल्यू लगाया इस पर ऑपरेशन लगाया वेट तो इसकी -1 हो गई, क्योंकि वैल्यू 0 से छोटी हो गई है, तो प्रोसेस P1 एंड P2 दोनों वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। लेकिन जो प्रोसेस P0 होगी वो इनको हेल्प करेगी वेकअप करने में, इसने कहा रिलीज़। ये वेट एंड रिलीज कुछ और नहीं है, वेट ऑपरेशन मतलब वही नो जब का वेट ऑपरेशन है, और रिलीज का मतलब सिंपली सिग्नल ऑपरेशन है। तो सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। इन दोनों ने वैल्यू को डिक्रीज किया था, S0 S1 और S2 की। इनिशियली वैल्यूज क्या थी S1 S2 की, इनिशियली 0 थी, और ST की भी इनिशियली 0 थी, S2 की भी 0 थी। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए, जब P0 P1 P2 तीनों पैरेलली एग्जीक्यूट हुए, P0 ने इसको डिक्रीज किया, P1 ने इसको डिक्रीज किया, P2 ने इसको डिक्रीज किया, P0 तो रन कर गया। क्यों? क्योंकि इसके सीमाफोर की वैल्यू 1 थी, लेकिन S1 और S2 जो था उनके सीमाफोर की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, जब अब इसने प्रिंट किया 0, उसके बाद में रिलीज किया, तो रिलीज का मतलब क्या है कि सीमाफोर S1 की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट कर दो, इसने इंक्रीमेंट करके 0 कर दी। फिर इसने इसको रिलीज किया S2 को, तो जब इसने S2 को रिलीज किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो ये तो वेट कर रहा था, प्रोसेस P1 एंड P2 वेट कर रहे थे कब इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव हो। तो इसने रिलीज किया S1 को, तो इसने वैल्यू 0 कर दी, तो ये रन कर सकती है। अब P2 जो होगी वो भी रन कर जाएगी, क्योंकि वैल्यू जो है वो फाइनली 0 हो गई है। ओके, अब क्योंकि ये वेट कर रहे हैं, वेट कहाँ कर रहे हैं, सीमाफोर पे वेट कर रहे हैं कि उनकी वैल्यू कब निगेटिव से 0 या 0 से ग्रेटर हो। तो जैसे ये रिलीज हुए, ये वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, तो इसने कहा रिलीज S0 रिलीज S0। तो इन दोनों ने क्या किया, क्योंकि S0 की वैल्यू 0 हो चुकी थी, ये वेट ऑपरेशन करने के बाद में 1 से 0 हो चुकी थी, इस रिलीज ऑपरेशन ने क्या किया, S0 की वैल्यू 1 कर दी, इस रिलीज ऑपरेशन ने क्या किया, 1 से फिर इंक्रीमेंट करके 2 कर दी, तो अब S0 की वैल्यू 2 हो गई है। अब S0 की वैल्यू 2 हो गई है तो ये दो बार एग्जीक्यूट कर सकता है। वेट ऑपरेशन दोबारा से लगाओ, दोबारा से एग्जीक्यूट करना है अगर मुझे प्रोसेस, तो अपने वेट ऑपरेशन लगाया 1 हो गया, फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करी फिर 0 हो गई। तो मतलब क्या है कि 0 तीन बार एग्जीक्यूट हो सकता है, यानी कि 3 बार प्रिंट हो सकता है। जितनी बार P0 प्रिंट होगा, P0 एग्जीक्यूट होगी, उतनी ही बार प्रिंट ऑपरेशन चल जाएगा। तो 3 बार P0 एग्जीक्यूट कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि 3 बार 0 0 प्रिंट हो सकता है। तो इसका आंसर है एग्जैक्टली थ्राइस, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि ईच प्रोसेस पी आई फ्रॉम आई इक्वल्स टू 0 to 9, ये 10 प्रोसेस है आपके पास में 0 से लेकर 9 तक, P0, P1, P2, P3, P4 लाइक दिस टिल P9, 0 से 9 इज कोडेड एज फॉलोज। और उन सब के सब प्रोसेस का जो कोड है वो ऐसे है, जो पहली 10 प्रोसेस है उनका कोड ये है। पहले आप पी म्यूटेक्स, इसका मतलब क्या है, वेट। पी ऑपरेशन में बताया था ना, वेट ऑपरेशन या पी ऑपरेशन सेम चीज है, और यह है सिग्नल ऑपरेशन। ये क्रिटिकल सेक्शन है हमेशा की तरह। म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना जरूरी है। म्यूटेक्स है बाइनरी सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर को ये म्यूटेक्स भी बोलते हैं। म्यूटेक्स की फुल फॉर्म है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए हम बाइनरी सीमाफोर यूज करते हैं, क्योंकि बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू है तो 1 हो सकती है या फिर 0। तो जो इनमें तो कोई प्रोसेस जो भी पहले इस म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट कर देगी वही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली जाएगी और वैल्यू को 0 कर देगी। अगर वैल्यू 0 है तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि बाइनरी सीमाफोर यूज़ करके सिर्फ एक प्रोसेस ही अंदर जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन की, एक से ज़्यादा नहीं जा सकती है एक टाइम पे। लेकिन इसने कहा कि ये कोड था इन सब प्रोसेस के लिए 0 से लेकर 9 तक, जो पहली 10 प्रोसेस थी। लेकिन द कोड फॉर P10 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट इट यूजेस वी म्यूटेक्स इंस्टेड ऑफ पी म्यूटेक्स। मतलब क्या है, इसकी जगह पे इसने वी म्यूटेक्स लगा दिया एंड यहाँ पे भी वी म्यूटेक्स रहा, बस इसने ये चेंज किया। इसने कहा कि P10 का जो कोड होगा बस थोड़ा सा चेंज है उसमें, उसमें चेंज क्या है कि यहाँ पे पी म्यूटेक्स यहाँ पे वी म्यूटेक्स हो गया है, और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन वही, और फिर आपका वी म्यूटेक्स, बस ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहली जो 10 प्रोसेस थी 0 से लेकर 9 तक, उनका कोड यही था। जो P10 प्रोसेस जो थी उसका कोड थोड़ा चेंज हुआ, हमने यहाँ पे वी म्यूटेक्स कर दिया है, ये बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी मोमेंट, द म्यूटेक्स बीइंग इनिशियलाइज्ड टू 1। जो म्यूटेक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू है इनिशियली 1।
अब देखो P0 से P9 तक सबने ये एग्जीक्यूट किया पैरेलली, P0 से लेके P9 तक। तो P0 ने पहले इसको एग्जीक्यूट किया, तो किसने क्या कर दिया, ये वेट ऑपरेशन है तो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या कर दी, जीरो। P0 ने क्या कर दी, वैल्यू जीरो, लाइक दिस P9 तक ये सब है। फिर P10 आई, P10 का कोड कैसे है, V म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन एंड V म्यूटेक्स, ये है। और बाकी सब क्या है, P यानी कि सिग्नल म्यूटेक्स, उसके बाद में फिर वही V म्यूटेक्स, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, इन सब का कोड ऐसे ही है। तो इसने P ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया म्यूटेक्स, मतलब क्या कर दिया, इसने वैल्यू जीरो कर दी। अब कोई प्रोसेस P1 आई, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती क्योंकि वो माइनस कर वन कर देगी वैल्यू। P2 आई, उसने भी क्या कर दिया, माइनस टू कर दी। इसी तरह से सारी की सारी प्रोसेस क्या कर देगी, इसकी वैल्यू को डिक्रीज डिक्रीज करते करते उसको माइनस नाइन कर देगी। माइनस नाइन का मतलब क्या है कि नो प्रोसेस जो है वो वेट कर रही है इस म्यूटेक्स पे। अब आई P10, P10 ने क्या करा, P10 रन कर जाएगी। क्यों रन कर जाएगी, क्योंकि वी म्यूटेक्स ये वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगी। ओके, यहाँ पे हमने गलती की है, गलती क्या की है, ये माइनस नाइन माइनस टेन नहीं होगा क्योंकि बाइनरी सीमाफोर है, वैल्यू या तो वन होगी या जीरो होगी। ठीक है, तो म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियली क्या थी, वन थी, वन से जीरो हो गई। अब कोई और प्रोसेस जो है वो क्रिटिक इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती क्योंकि सारी की सारी, क्योंकि वैल्यू जो है बाइनरी सीमाफोर की जीरो है, और जब बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू जीरो होगी तो कोई प्रोसेस जो उस पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगी वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू और डिक्रीज नहीं हो सकती, माइनस वन नहीं हो सकती बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू। तो ये एग्जीक्यूट हुई, P1 P2 P3 P4 P9 तक सारी की सारी ब्लॉक हो गई। ओके, P0 क्या हुई, एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या थी, वन थी, अब जीरो हो गई है, क्योंकि जीरो हो गई तो बाकी सारी वेट करेगी। एंड P1 से P9 तक जो नो प्रोसेस थी वो वेट कर रही है। अब P10 आई, P10 क्या करेगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सिग्नल ऑपरेशन है, पहले इन सब में वेट ऑपरेशन था, तो सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब जीरो से वैल्यू वन कर दी और इंक्रीमेंट करके एग्जीक्यूट कर गया। तो P10 एग्जीक्यूट हुई, और P10 के एग्जीक्यूट करने का एक फ़ायदा और हुआ, वो फ़ायदा क्या हुआ कि म्यूटेक्स की वैल्यू जो है वो वन हो गई, यानी इनमें से कोई और प्रोसेस जो जितनी भी P1 से P9 तक वेट कर रही थी, इनमें से एक प्रोसेस और एग्जीक्यूट कर सकती है। तो लेट से P1 एग्जीक्यूट कर गई और उसने फिर दोबारा से वैल्यू जो है वो जीरो कर दी। तो एक साथ पैरेलली अगर मैं बात करूँ, पैरेलली तीन प्रोसेस एक साथ रन कर सकती है, कौन कौन सी, P0 और P10, ये तो कन्फर्म है ही है, क्योंकि P10 एग्जीक्यूट करेगी और वो अच्छी चीज़ कर रही है। अच्छी चीज़ क्या कर रही है कि वो सिग्नल ऑपरेशन से म्यूटेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रही है। तो इनमें से P1 से P9 में से एक प्रोसेस और कोई भी एग्जीक्यूट कर सकती है, P1 टू P9 में से कोई एक। तो तीन प्रोसेस हो गई, वन टू और इनमें से एक कोई थ्री, तो तीन प्रोसेस पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकती है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में एक प्रॉब्लम है हमारे पास में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, उसी को बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बफर जो होगा वो बाउंडेड होगा। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपली एक चीज़ है, वो ये है कि हमारे पास में एक बफर है, ये बफर है बाउंडेड जीरो से लेके एन तक, लाइक दिस एक बफर है जीरो से एन तक। एक प्रोड्यूसर प्रोसेस है, प्रोड्यूसर एक प्रोसेस है और एक कंज्यूमर प्रोसेस है। प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या कर रही है, आइटम प्रोड्यूस करके इसके अंदर रख रही है। ओके, लेट्स से ए बी सी, लाइक दिस प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रही है। कंज्यूमर प्रोसेस क्या कर रही है, यहाँ से कंज्यूम कर रही है वैल्यूज को स्टार्टिंग से। ये कंज्यूम किया तो ये फ्री हो जाएगा स्पेस, फिर ये कंज्यूम करेगी, फिर ये कंज्यूम करेगी। रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर बफर फुल है। कंज्यूमर के लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता अगर बफर एम्प्टी है, मतलब ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो की कंडीशंस। इन द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम देर आर द एम्प्टी एंड फुल सीमाफोर्स। हमारे पास में दो सीमाफोर हैं, एम्प्टी के नाम से एंड फुल के नाम से, और दोनों सीमाफोर हमारे काउंटिंग सीमाफोर्स हैं, एम्प्टी भी एंड फुल भी, काउंटिंग सीमाफोर्स, सीमाफोर। तो ये सीमाफोर किस लिए यूज़ करते हैं, मैंने बताया अभी एक हमारे पास में बाउंडेड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम थी। जो आपका एम्प्टी सीमाफोर होगा, एम्प्टी सीमाफोर ये बताएगा कि आपके बफर के अंदर कितने एम्प्टी स्पेस है। अभी अगर मैं इसकी बात करूं, अभी लेट्स से कंज्यूमर ने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है और प्रोड्यूसर ने चार आइटम प्रोड्यूस कर दिए हैं,
तो आपके पास में तीन एम्प्टी स्पेस है, तो इसकी वैल्यू होगी 3। एम्प्टी इस एम्प्टी सीमाफोर की वैल्यू कौन मॉडिफाई करेगा? पहला सवाल, एम्प्टी की वैल्यू कौन मॉडिफाई करेगा? दोनों मॉडिफाई करेंगे। कैसे? जो प्रोड्यूसर होगा, अगर उसने एक आइटम प्रोड्यूस किया तो मतलब क्या हुआ, उसने वैल्यू को डिक्रीज किया है, अब वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। एम्प्टी सीमाफोर की वैल्यू डिक्रीज करेगा प्रोड्यूसर, और एम्प्टी सीमाफोर की वैल्यू इंक्रीज करेगा कौन? कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ने एक वैल्यू कंज्यूम कर ली, इसका मतलब क्या है, ए यहाँ से निकल गया, अब ये भी फ्री हो गया स्पेस, तो 1 2 3, अब फिर दोबारा से 3 हो गया है। तो एम्प्टी एंड फुल सीमाफोर दोनों के दोनों, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों यूज़ करेंगे, और इनमें से एक उसको डिक्रीज करेगा, और उसको एक उनमें से एक उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो फुल जो सीमाफोर है वो हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि बफर में कितने जो सेल्स हैं वो फुल हो गई हैं। जैसे अगर मैं इसकी इस वाले बफर की बात करूं, लेट्स से एक नया बफर है मेरे पास में, और इस बफर के अंदर लेट्स से 0 1 2 3 4 5 स्पेसिस हैं, ठीक है, 5 सेल्स हैं इस बफर के अंदर। तो अभी अगर मैं फुल की बात करूं, फुल की वैल्यू है 3, मतलब 3 बफर फुल हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, फुल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अगर मैं एक और आइटम प्रोड्यूस करता हूँ तो फुल कितना हो गया, अब 4 हो गया है। और जो आपका कंज्यूमर होगा वो इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। अगर कंज्यूमर ने एक आइटम कंज्यूम कर लिया है, लेट से ए को कंज्यूम कर लिया, तो अब फुल कितने हैं, 3, तो कंज्यूमर इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो एम्प्टी एम्प्टी को क्या होगा, एम्प्टी सीमाफोर को प्रोड्यूसर जो होगा वो डिक्रीमेंट करेगा और कंज्यूमर इंक्रीमेंट करेगा। फुल में उल्टा होगा, फुल में प्रोड्यूसर इंक्रीमेंट करेगा और कंज्यूमर डिक्रीमेंट करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी एंड फुल बफर्स। जो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में एम्प्टी एंड फुल के नाम से दो सीमाफोर वेरिएबल यूज होंगे। जब आप इसका कोड देखोगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का एक कोड है, जब उस कोड को देखोगे तब वो चलेगा बता कि एम्प्टी एंड फुल दो बफर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं जो हम ये बताने के लिए यूज़ करते हैं कि बफर में कितना स्पेस एम्प्टी है एंड कितना स्पेस फुल है। वो हमें ज़रूरी है रखना, उसका ट्रैक रखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो कंडीशन भी चेक करते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो बफर है वो फुल हो गया है और प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा ना हो कि जो आपका बफर है वो बिल्कुल एम्प्टी है और कंज्यूमर कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 100, इन द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम देर इज ओनली वन बफर, देर आर एन बफर्स, देर आर इन्फाइनाइट बफर्स, ये तो बिल्कुल नहीं है। द साइज ऑफ बफर इज बाउंडेड, डेफिनेटली दिस इज द आंसर। जैसे मैंने अभी बताया, इसको बाउंडेड बफर नाम ही बता रहा है कि बफर जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में जो बफर साइज है वो बाउंडेड है।